सलाखों से बाहर आएंगे पी चिदंबरम, तो चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम को जमानत मिली है, 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया है और चिदंबरम को सशर्त जमानत मिली है। तो बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते पी चिदंबरम। तो आपको बता दें कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्तें यहां पर रखी है। तो यानी कि जो राहत दी गई है, एक लिमिटेशन के साथ राहत पी चिदंबरम को मिली है, केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे चिदंबरम। तो 17 अक्टूबर को ईडी ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, लगातार मुश्किलों में जो है वो फंसते नजर आ रहे थे और जेल में थे, लेकिन अब इस जमानत के बाद सलाखों से बाहर आ जाएंगे चिदंबरम। लेकिन इस दौरान कई लिमिटेशन जो है वो पी चिदंबरम को कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। तो चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, 2 लाख के निजी मुचलके पर ये राहत मिली। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदंबरम को जमानत दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया है, चिदंबरम को सशर्त जमानत मिली है। तो कुछ शर्तें, कुछ लिमिटेशन यहां पर, और उन लिमिटेशन में बिना इजाजत देश छोड़कर चिदंबरम नहीं जा सकते हैं, तो साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, तो केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे चिदंबरम। तो 17 अक्टूबर को ईडी ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था और उसी वक्त से लगातार वो जेल में थे और अब सलाखों से बाहर आएंगे चिदंबरम, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशन के साथ उनको ये राहत दी गई है। तो कई पूरी राहत जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। तो आईएनएक्स मीडिया केस में सलाखों से बाहर आएंगे पी चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तो आपको बता दें कि आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत मिल गई है। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है। हैज बीन द विक्टिम ऑफ डीप कंस्पिरेसी ओनली टू स्मदर द वॉइस ऑफ द प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर। चिदंबरम जी has been for long criticizing against the wrong policy of this government in a unrelented manner. That is why government thought it prudent to throttle his voice and the long incarceration of Chidambaram ji has been a nefarious design played by the ruling dispensation. It will be proved in later day, and we are eager to see that Chidambaram ji will be coming out with flying colors against all odds he has faced. Sir, citizenship amendment bill is all government is all set to take up this citizenship amendment bill in the parliament, and prior to that Home Minister Amit Shah is meeting with the northeast leaders and various organizations, all those some of the like-minded the allies of the NDA, the BJP, Assam Gad Parishad are now looking in favor of citizenship amendment. See, first of all, we have to examine what is the amended citizenship bill is going to be brought into. Thereafter, I think it will be wise to make any comment on it.